नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि यहां पर मदरसों पे होने जा रही है। अभी हाल के दिनों में मदरसों का सर्वे हुआ था और बड़ी संख्या में अवैध मदरसे पाए गए थे, जो कि सरकारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए नहीं थे। और कहा जा रहा था इन मदरसों में अवैध फंडिंग के जरिए इनको संचालित किया जा रहा है। और ये भी कहा गया था कि मदरसे की संख्या 5000 से ज़्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूर्वांचल में अगर इन मदरसों की बात करें तो 2000 से ज़्यादा मदरसे अवैध रूप से संचालित हैं, और अब सरकार के द्वारा इन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और कार्रवाई कब होगी, ये फिलहाल बड़ा प्रश्न है। पर यहाँ पर यह जरूर स्पष्ट हो गया है कि सर्वे के बाद यहाँ पर कार्रवाई की बात कही जा रही थी, अब दोबारा ये मसला चर्चा में आ चुका है, यानी कार्रवाई होने जाने की यहाँ पर कवायद शुरू हो गई है। खैर, जब मदरसों पर सर्वे हुआ तो समय कहा गया था कि मदरसों को बेहतर करने के लिए, विकास की पटकथा लिखने के लिए, व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए और जनमानस के बीच में बेहतर संदेश देने के लिए यह मदरसों का जो सर्वे कराया जा रहा है। पर सर्वे का मूलभूत उद्देश्य क्या था, ये सरकार बताने का प्रयास तो करती रही, पर जो विपक्ष है उनका कहना था कि केवल और केवल यहाँ पर विशेष वर्ग को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, मदरसों के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से और बुनियादी सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर केवल मदरसों को बंद करने की जो कवायद सरकार कर रही है, ये निसंकोच यहाँ पर विरोध होना चाहिए। खैर, यहाँ पर सरकार का कहना था कि हम इस वर्ग के ना खिलाफ हैं ना व्यवस्थाओं के खिलाफ हैं, पर अगर मदरसों को बेहतर करने की कवायद में उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनको आधुनिक करने के लिए अगर हम सर्वे कराकर उनको बेहतर करने की कवायद में लगे हुए हैं तो दर्द किसको है। खैर, दर्द उस समय भी हुआ, चर्चा उस समय भी हुई, पर उसके बाद मदरसे का सर्वे हो गया था और सर्वे में बड़ी संख्या में मदरसे कानूनी पाए गए थे और बड़ी संख्या में अवैध भी पाए गए थे। और जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या मदरसे वो खाली देशों के चंदे के संचालित हो रहे हैं, और अब सरकार इन अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने जा रही है, जो कि आज का बड़ा चर्चा विषय है। और महत्वपूर्ण चर्चा विषय यहाँ भी ये भी है कि अगर सर्वे नहीं होगा, चर्चाएं नहीं होगी या यहाँ कार्रवाई नहीं होगी, तो सरकार की जो अपनी नीति है बेहतर करने की, उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगेगा। हालांकि विपक्ष यहाँ पर सवाल जरूर उठाएगा और उठाता आया है, उठाना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ बेहतर करने के बाद में कुछ अलग किया जा रहा है, तो यहाँ पर विरोध जरूरी है। पर अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो यहाँ पर समर्थन भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर केवल केवल बात बेहतरी की नहीं, बल्कि बात व्यवस्थाओं की है, बल्कि बात ऐसी व्यवस्थाओं को यहाँ पर दुरुस्त करने की है, क्योंकि हर वर्ग यहाँ पर समान अधिकार रखता है और हमारे देश का संविधान हमको अधिकार देता है कि हमको बेहतर करने की दिशा में काम करना चाहिए। सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले और सबको यहाँ पर शिक्षा का अधिकार मिले। महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ मेहमान रूबरू करा दूँ। नेता भाजपा से सवार हुसैन भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सभा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, औजरा मोमिन इस्लामिक स्कॉलर के रूप में अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा नेता भाजपा से। सवार भाई, पहले सर्वे हुआ, सर्वे पर भी काफ़ी हाय तौबा मची थी, आपके सामने है, कोई नई चीज़ नहीं है। उसके बाद अब कहा जा रहा है जो अवैध मदरसे हैं, जो खाड़ी देशों के फंड से संचालित हो रहे हैं या जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष को मुद्दा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप विपक्ष लगातार बोलता आ रहा है कि जो बीजेपी है ये मुस्लिम वर्ग के खिलाफ काम करती आ रही है, मुस्लिम वर्ग के साथ नहीं है, मुस्लिम वर्ग को यहाँ पर शोषित कर रही है। पर बीजेपी ने अभी हाल में ही 3000 से ज़्यादा प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव में उतार कर एक संदेश दे दिया था विपक्ष को कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है और बीजेपी भी इस वर्ग को साथ चलने की स्थिति में लगातार आगे बढ़ रही है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर काम करती है। पर जब सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद सर्वे हुआ, उसके बाद अब यहाँ कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्या राय है आपकी? सफर हुसैन गौरव जी, आप सभी को मेरा नमस्कार जी। देखिए, ये मुद्दा जो है जी, एक समाज की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और ये वो समाज है जिसको मुस्लिम समाज कहा जाता है। आपने देखा, कांग्रेस जब आई सत्ता में थी तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई थी। बिल्कुल आई। उसमें मुस्लिम समाज को क्या दर्शाया गया था कि वो दलित समाज से भी नीचे जा चुका है जी। ये सपा, बसपा और कांग्रेस
ये मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिम समाज को वोट बैंक नहीं समझती है और कहती है कि मुसलमान इस देश का अभिन्न अंग है और इस देश का जो है मूल जो है अभिन्न अंग है और इस देश का की विकास में भागीदारी हिस्सेदारी का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। ठीक। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मदरसे सर्वे हुए थे जिसमें रिपोर्ट आई थी कि 8200 मदरसे पाए गए जो मानक के अनुरूप नहीं थे, जो मौलाना और मौलवी अपनी दुकान चला रहे थे, एक एक कमरे में मदरसे बोर्ड लगा दिया, कहीं मदरसा नहीं है, कहीं संस्था का नाम है, उस संस्था पे जो लूट घसोट और जो सब चल रहा था, ये सपा और बसपा के कांग्रेस की देन थी, क्योंकि ये दाढ़ी और टोपी देख करके तुरंत मदरसे जो है वो ले जा करके दे देते थे मान्यता दे देते थे। इस तरह के मदरसों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वे करके बंद करने का काम किया जो फर्जी तरीके से चल रहे थे। अब रही बात विपक्ष की, विपक्ष के पास तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल में लगभग 2000 मदरसे हैं और टोटल जो मदरसे थे वो 8200 थे, उनको रोक लगा दी। अब दूसरी चीज ये आती है कि मदरसे वो दुकानें चल कैसे रही, दुकानें जकात से चल रही थी, जो कि ये दुकानें क्या होता है, दुकानें क्या होता है, ये दुकानें वही होती है जो एक कमरे में चल रहे थे, जो 8200 मदरसे के नाम पर दुकानें ही तो कहा जाएगा इनको। अच्छा। जो मौलाना चला रहे थे इसको दुकान ही कहा जाएगा, क्योंकि वो अपना पेट पालने का काम कर रहे, शिक्षा का काम नहीं कर रहे थे। अच्छा। ये मुस्लिम समाज के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जो उलमा दीन पढ़कर आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की किताबों को पढ़कर आते हैं, वो इस तरह का कृतित घृणित कार्य कर रहे थे कि मुस्लिम समाज की शिक्षा के नाम पर जो है उनको बेरोजगार बना रहे थे। उस मदरसों को 8200 मदरसों को हमारी सरकार ने बंद करने का काम किया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये दुकान इसलिए कहूंगा कि जो फंडिंग विदेशों से आती है, खाड़ी देशों से आती है, वो पैसा किस कौन भेज रहा है, ये सबसे बड़ा विषय है कि उसका वहां पर उसकी रिपोर्ट क्या है, वो किस तरह का व्यक्ति है, किसी आतंकवादी संगठन से तो नहीं जुड़ा है। ये एक बहुत चिंता का विषय है कि खाड़ी देशों से जो पैसा आ रहा है इन्हीं दुकानों में आ रहा है, और यही यही वो लोग हैं जो आतंकवादी घटनाओं को में लिप्त रहते थे। आज आप देखें जब से हमारी सरकार आई है आतंकवादी कहां छुप गए पता नहीं, इस तरह से देश में जो आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी वो एक तरह से उन पर अंकुश लगाया है हमारी मोदी सरकार ने। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और सपा और बसपा जो कि इनकी वेंटिलेटर पे बैठी हुई है, अब सरकार कार्रवाई करने जा रही है और ऐसे मदरसों को बंद करने जा रही है, इसका सम्मान करना चाहिए और पूरे मुस्लिम समाज को सम्मान करना चाहिए कि मदरसे के दुकानें चल रही थी वो बंद होने जा रही है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और मुस्लिम समाज में होने के नाते मैं योगी सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे काम किया, ये बहुत ही सराहनीय काम है, ये दुकानें बंद होनी चाहिए, शिक्षा के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि अवैध है, अवैध का एक मानक होता है, आपने कहा अवैध है, सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, बिल्कुल अवैध की श्रेणी में आएगा, पर मानक क्या होने चाहिए अवैध के, क्या विदेशी फंडिंग वहां पर हो रही है ये मानक पर्याप्त है, अगर वहां बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या उन मदरसों को हम मान्यता नहीं दे सकते हैं, क्या इस दशा में प्रयास नहीं हो सकता है, अगर वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं भले एक कमरे में हो या दो कमरे में हो तो क्या उनको मान्यता नहीं दी जा सकती है, अगर सरकार यहाँ पर उनको मान्यता देगी तो निश्चित रूप से शिक्षा का बेहतर यहाँ पर विकास हो सकेगा, एक आधुनिकीकरण को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और चूंकि अब बीजेपी इस वर्ग को लगातार अपने साथ ले चलने की बात कह रही है, तो अगर यहाँ पर सभी मदरसों पे कार्रवाई ना करके जो मदरसे बेहतर है सपार भाई उन मदरसों को मान्यता देने की स्थिति में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या राय है आपकी, फिर अमीन भाई से बात लेता हूँ, बोलिए सपार भाई। जी मैं आपसे कहना चाहूंगा गौरव जी ये बात, अगर वो मानक आप प्राइमरी स्कूल खोलते हैं तो उसका भी एक बेसिक शिक्षा मानक बना रखा है गवर्नमेंट ने, अगर इस मानक में नहीं होगा तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ये जो 8200 मदरसे हैं ये अवैध हैं, ये एक कमरे में चल रहे हैं और इसको हर हाल में बंद होना चाहिए। और रही बात जो बच्चे अगर वहां पर दो चार पढ़ रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है और मैं इस ये कहता हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ कि सरकार उन बच्चों को दूसरे मदरसों में जाएंगे जहां पर मानक के अनुरूप चल रहे हैं, सरकार की मान्यता से चल रहे, वहां जाकर शिक्षा हासिल करेंगे, लेकिन इन दुकानों का बंद करना बहुत चले। ठीक है, दुकान ही बोलते रहिए। ठीक है, रविंद्र प्रताप सिंह, रविंद्र भाई मदरसों की दुकान पे आ गए हम, चले ठीक है, दुकान बोलिए मदरसे बोलिए, पर दोनों में बहुत अंतर है, मदरसे शिक्षा का केंद्र और दुकान है व्यवसाय का केंद्र।
अंतर बहुत है, पर चूंकि सवाल भाई यहाँ पर उसकी बोलते चले आ रहे हैं। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं जी, और शिक्षा अगर उत्तर प्रदेश शिक्षित होगा जी तो हम सबका लाभ होगा, बिल्कुल होगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान शिक्षा की हाल देखें, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, केरल नंबर एक पे है, उत्तर प्रदेश नंबर आखिर पे है। तो इस 6 साल में ये उपलब्धि मिली है शिक्षा में, और जो भी हम आखिरी हैं उसमें अगर हम प्राइमरी एजुकेशन करने जाते हैं तो ये स्कूलों को छोड़ दीजिए, क्योंकि परिषदीय स्कूलों की हालत कैसी है आप लोग जानते हैं, प्राथमिक पाठशालाओं की बात कर रहा हूँ। जब मैं प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे को 5 से 10 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है, कोई भी गरीब इस प्रकार का एजुकेशन नहीं ले सकता है। अब आते हैं जस्टिस रंगनाथ आयोग की रिपोर्ट पे जी। जस्टिस रंगनाथ आयोग की रिपोर्ट कहती है कि जो अल्पसंख्यक हैं उसमें शिक्षा के स्तर पे सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ मुस्लिम समाज है जी। तो मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए एक बनाया गया था मदरसा शिक्षा परिषद जी। मदरसा शिक्षा परिषद ने अभी उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पे जांच किया, जिसमें 16,513 मदरसे सही पाए गए उनके मानक पे, 7,500 मदरसे मानक पे सही नहीं पाए गए। तो मानक पे सही नहीं पाए गए उनको बंद कराना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में तो हम सबसे आखिर में हैं 28 राज्यों में जी। तो अच्छा है कि उनको किसी तरीके से सरकारी मदद दे के जी, और उनको अपग्रेड करें। बिल्कुल, हम मान लीजिए पैसा अंदर से आता बाहर से आता है तो ये केंद्र सरकार का काम आता है जी, इसमें सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ नहीं करना है जी। केंद्र सरकार ने पहले ही FCRA पे रोक लगा रखी है जी, अगर हवाला के माध्यम से आता है तो यह काम केंद्र सरकार का करना है जी। और अगर पिछले 9 साल से केंद्र सरकार में और 6 साल से राज्य सरकार में हवाला से पैसा आ रहा था जी, तो इसका मतलब ये लोग उसमें संलिप्त थे। तो ऐसी बात तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के उच्चीकरण की जी। अब अगर आप देख लीजिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो भारत की जो सबसे बड़ी शिक्षण संस्थान है विद्या भारती है, जिसका केंद्र लखनऊ है। बिल्कुल, जब उसने शिक्षा चालू किया था 1977 में गोरखपुर से, तो एक पेड़ के नीचे एक कुर्सी लगा के एक टाट पे बैठ के शुरू किया गया था। सही बात है, बिल्कुल। तो शिक्षा इस प्रकार से शुरू की गई थी जी, और आज ये सबसे बड़ी संस्था है। तो अब मानक बन गए हैं, ठीक बात है, मानक का पालन होना चाहिए, जो मानक पे नहीं मानक का पालन ना करें उनको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जी। लेकिन कार्रवाई करने से अच्छा है कि उनको हम मदद करके अपग्रेड कर सकते हैं, कि हमारे सामने पहले से है कि हमारे देश की जो 14% पॉपुलेशन है वो जस्टिस रंगनाथ आयोग के हिसाब से सबसे पिछड़ी हुई है। बिल्कुल। एक दूसरा विषय यह है कि अल्पसंख्यक शिक्षा परमिशन दी जाती है, जिसमें जैन बुद्ध क्रिश्चियन और मुस्लिम आते हैं। बिल्कुल, ये अपने शिक्षा संस्थान चला सकते हैं, इनके लिए अलग प्रावधान है और इनको मदद भी दी जाती है जी। ये जांच केवल मदरसे पर क्यों, अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों पर क्यों नहीं? विद्या भारती के नाम पे मैं बता सकता हूँ, लखनऊ से लेके गोरखपुर में विद्या भारती के संस्थानों का मैं नाम कराऊं जो अवैध रूप से उनका नाम लेके चलते हैं। तो आपको कहना क्या है कि बीजेपी तारमूल से प्रसंग कर रही है? रविन भाई, आपको कहना क्या है, बीजेपी तारमूल से प्रसंग कर रही है जी? उसमें धर्म का देख के नहीं होनी चाहिए, उसका उद्देश्य शिक्षा होनी चाहिए कि हम शिक्षा के मानकों पे सबसे पीछे हैं जी, और हम शिक्षा के मानकों में सबसे आगे कैसे बढ़े। ठीक है, ठीक है। अगर उसमें धर्म आधार पड़ेगा, क्षेत्र आधार पड़ेगा, पार्टी आधार पड़ेगी, इतनी देर से हमारे जो मित्र हैं भाजपा के वो पार्टी 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 बोल रहे हैं, पार्टी का शिक्षा से क्या लेना देना है जी? ये तो सरकारों का काम है। ठीक है, सरकार जो भी है। जो भी राज्य सरकार रहे, क्योंकि राज्य शिक्षा राज्य सरकार का विषय है जी, उनको कार्रवाई करें, लेकिन जहां तक प्रयास हो सके जो संस्थान अवैध पाए जाते हैं उनको एक समय दें जी, अपनी वैधता की लिस्ट में लाने के लिए जी। इस प्रकार से ही शिक्षा का उच्चीकरण उत्तर प्रदेश में हो पाएगा, और यह बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश की 40% से ज्यादा जनता जी। ठीक है, ठीक है रविन भाई। अजरा मोमिन जी, यहाँ पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, कार्रवाई को कैसे देखती हैं? जो ये सर्वे हुआ था उसके बाद क्या स्थिति रही आपको पता है,
और क्या हम इनको नियमितीकरण की व्यवस्था में नहीं ला सकते हैं। जो भी मैंने बात कही सपा हुसैन से भी मैंने बात कही कि हाँ अगर मानक तय हैं और कुछ मानकों को अगर नियमित कर सकते हैं या जो बेहतर हैं जो वास्तव में इस समय बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उन बच्चों को दे रहे हैं जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है जो गरीब हैं और निश्चित रूप से जो मदरसे होते हैं वहाँ पर जो गरीब वर्ग है जो वंचित वर्ग है उसी को मुख्य रूप से शिक्षा दी जाती है। क्या राय है आपकी और इस कार्रवाई पर क्या कहेंगी? देखिए गौरव जी, जहाँ मदरसों की बात आती है शिक्षा प्रणाली को देखते हुए अगर ये बहुत अच्छी आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे अभी बताया शफा साहब ने, भाजपा प्रवक्ता ने, कि हमारी सरकार इस तरीके से कर रही है और जो मानक के विपरीत हो रही है, तो मानक के विपरीत जो फंडिंग का आप इशू उठा रहे हैं कि फंडिंग वो कहाँ से आई, तो बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो बाहर से फंडिंग लेते हैं, एटीजी करा करके वो फंडिंग लेते हैं। तो खाली एक ही चीज को पॉइंट आउट क्यों किया जाता है, खाली मदरसों पर? और मुझे लगता है आप देखिए गौरव जी, स्लम्स में वहां पर कोई खैरख्वाह नहीं है, कोई उसके उनके शुभचिंतक नहीं है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जाहिर सी बात है जिनके पास दो वक्त रोटी नहीं है, निवाला नहीं है खाने के लिए, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बहुत सारी समाजी सेवाएं संस्थाएं ऐसी हैं जो वहां पर जाती हैं, और बहुत सारे नौजवान बच्चे जो है ग्रेजुएट हैं वो बच्चे शौक में जाते हैं और छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उन बच्चों को, स्लम्स के बच्चों को पढ़ाते हैं। वहां पर कोई मानक नहीं तय किया होता, लेकिन वहां पर यह होता है कि हम अपने इन बच्चों को एक बेहतर नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर मानक की ही बात करते हैं तो मानक अगर उनमें कहीं कुछ खामियां हैं तो आप उनकी मदद कीजिए, उन चीज को दूर कीजिए, दूर करके आप उनको सपोर्ट कीजिए, तभी आप उसको एक अच्छे दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी अलग तरीके से कुछ आपके मन में अलग संदेह चल रहा है उसके तहत आप अगर इसको बंद करवाने की, संदेह कौन सी बात है, संदेह क्या है? देखिए संदेह है, बिल्कुल ये संदेह में रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये खाली एक कम्युनिटी, जैसे अभी सपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में खाली मुस्लिम नहीं आता है, बहुत सारे चार पांच ऐसे हैं वो माइनॉरिटीज में आते हैं, लेकिन हमेशा अगर टारगेट किया जाता है तो माइनॉरिटी का मतलब लोग खाली मुसलमान समझ लेते हैं, और माइनॉरिटी का जब इनको कुछ इशू क्रिएट करना होता है तो वो मदरसों पर आकर के केंद्रित हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप खाली एक समुदाय को ना टारगेट करते हुए अगर आप बेहतर कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो आप जमीन पर आइए, आप स्लम्स में आइए। और आप कहते हैं कि अवैध ढंग से उनकी फंडिंग हो रही थी, तो मेरा सवाल है कि 9 साल से आप केंद्र में हैं, 6 साल से आप राज्य सरकार में हैं, जांच एजेंसियां कहां पर सोई हुई थी कि अब तक आपको पता नहीं है, और 2024 जब करीब आ रहा है तब आप जाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप हैं। आप इसका सवाल का जवाब दीजिए, आप इतने दिन तक सोए क्यों थे भाई? अब आपको साल भर में इनकी बेहतर प्रणाली करने का सोच सूझ आ रही है? सवाल भाई कहाँ थे, सो रहे थे क्या? मैं बहुत कड़वा जवाब दूंगा मैडम को, दे दीजिए। हो सकता है कि मर्यादा में रहिएगा, मर्यादा में रहिएगा बस प्लीज। बिल्कुल मर्यादा में रहूंगा गौरव भाई, मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा भूमि रेलवे के पास, दूसरे नंबर पर डिफेंस के पास, तीसरे नंबर पर जो भूमि है वो वक्फ बोर्ड के पास है। अच्छा, हमारे जो भी सपा बसपा के लोग थे क्या उन्होंने उस जमीनों पर मदरसे बनाने का काम किया? क्या उस जमीनों का उपयोग उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया? क्या उस जमीनों पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज, मुस्लिम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया? क्या उन्होंने मुस्लिम नेताओं ने इस सिस्टम को टारगेट किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की हो या प्रदेश की हो, किसी भी फर्जी मदरसे को चलने नहीं देगी। जो मानक के अनुरूप नहीं है उनको बंद किया जाएगा, कोई उनके साथ मुरम्मत नहीं की जाएगी। आप बताइए अल्पसंख्यक के नाम पर आप क्रिश्चियन कौन सा क्रिश्चियन समाज का मदर, कौन सा क्रिश्चियन समाज का स्कूल जो है मानक के अनुरूप है? खाली मुसलमान, सिर्फ मुसलमान एक एक दुकान खोलकर चले हैं। ये मौलवी जो दीन और इस्लाम की बात करते हैं, ये सरकार गरीबों का माल लूटने का काम करते हैं, ये मानक के अनुरूप काम कर रहे हैं, दुकानें खोल रखी है इन लोगों ने। ऐसे मदरसों को बंद करना चाहिए, ऐसे मदरसों को बंद करना चाहिए। खामोशी से आप मेरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पहले आप पूरी बात सुनिए, आपकी नीति बन चुकी
चुकी है, बंद करना पूरी बात सुनिए, पूरी नीति बताऊंगा, पूरी नीति बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी नीति बताऊंगा, लेकिन मेरी बात खामोशी से आप लोग सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुना दीजिए, सुना दीजिए, आप बताइए अजरा जी, इसका जिम्मेदार कौन है? भारत के अंदर तीसरे नंबर पर अगर जमीन है तो वक्फ के पास है। अगर आपने वक्फ से जमीन लेकर के आज मदरसे बनाए होते तो माना के दुकान खोलने की आपको जरूरत न पड़ती। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा कि मुसलमान के बच्चे के एक मुसलमानों को धरातल पर पहुंचाने का काम किया तो वो सपा बसपा और कांग्रेस है, और नफरत फैलाने का काम किया सपा बसपा और कांग्रेस है जी। सपार भाई मेरा सवाल, बात करेंगे मुसलमानों को, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल सही बात कहा आपने, बख्तपुर भूमि है और बनने चाहिए थे, नौ साल से आप केनो बैठे, लेकिन जो मुस्लिम रहनुमा थे उन्होंने जमीनों को बेचने का काम किया। मेरा सवाल, मुझे डिक्टेट मत करिए प्लीज। मेरा कहना यह है कि यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बात कही, भूमि है तो नौ साल से आप केन में बैठे हैं, शिक्षा को लेकर बेहतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर मन की बात के माध्यम से शिक्षा को लेकर, एग्जाम की तैयारी को लेकर और तमाम विषयों पर विद्यार्थियों को संबोधित भी करते रहते हैं। वो अच्छी बात है, करना चाहिए शिक्षा को लेकर भी। पर अगर शिक्षा को लेकर बात करने नौ साल से आप केंद्र में बैठे हैं तो क्या इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था? आप बिल्कुल यहाँ पर जो अवैध मदरसे हैं उनको बैन करिए, उनको उनकी दुकानों पर ताला लगा दीजिए, जो आप दुकान बोल रहे हैं। पर नए खोलने की दिशा में आप कितना आगे बढ़ रहे हैं? दूसरा कार्यकाल उत्तर प्रदेश शुरू हो गया है और केंद्र में नौ साल से बैठे हुए हैं, चुनाव के समय इस चीज़ तरह की चीज़ों की याद क्यों आती है? और अगर दूसरों ने नहीं किया तो हम भी उसी पटकथा पर आगे क्यों चल रहे हैं? हम ही कुछ कर लेते अगर इस वर्ग को साथ लेने की बात आप कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए जी। गौरव जी, जो वक्फ बोर्ड काउंसिल का जो नियमावली है वो ऐसी बनी थी जिसको अभी हमारी हमारी केंद्र की सरकार ने उसको चेंज करने का काम किया। अच्छा। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन में ये दर्ज हो गया कि खसरा नंबर इतना वक्त की जमीन है तो जो बेचारा जमीन मालिक उसको नहीं पता, वो जब बेचने जाता था तो वो लगता था, वो कहते थे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब जिसकी जो जमीन का मालिक है वो साबित करे कि ये मेरी जमीन है, उस चीज को हमारी सरकार ने जो नियमावली थी जो 47 प्लॉस थे उनको चेंज करने का काम किया है। अच्छा। ये शायद सपा बसपा और कांग्रेस के लोगों को नहीं मालूम है। अच्छा। उसको चेंज किया है, अब उन सबको चेंज किया जा रहा है, अब वो सारी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन मैं ये कहूंगा हमारी सरकार एक सार्थक कदम उठा रही है वक्त की जमीनों के लिए। आगे आने वाले समय में मैं आपसे वादा करता हूं कि इन्हीं वक्त की जमीनों पर आपको मेडिकल कॉलेज दिखेंगे मुसलमानों के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दिखेंगे मुसलमानों के लिए, हमारी बहनों के लिए इंटर और डिग्री कॉलेज दिखेंगे। लेकिन ये मदरसे के नाम पर दुकानें बंद होंगी, ये मैं ज्यादा से कहता हूँ कि इन मदरसों की जो दुकानें चल रही है इनको बंद किया जाएगा और हर हाल में बंद किया जाएगा, और उन बच्चों को लेकर के प्राइमरी स्कूलों में सरकार उनका दाखिला कराएगी, उनको आधुनिक शिक्षा के मदरसों में भेजेगी, उन बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन दुकान चलाने वाले उलमाओं की और मौलानाओं की दुकानों को बंद करने का काम हमारी सरकार करेगी और जरूर करेगी। सपर भाई मेरा सवाल लीजिए, हजरत मुंगी बात ले दूंगा। सपर भाई आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो मेडिकल कॉलेज तो जनता के लिए हो तो उसमें किसी वर्ग की भूमिका नहीं होती है, वो सबके लिए है। और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे वो भी सबके लिए है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मदरसे होते हैं वो मुस्लिम वर्ग के लिए होते हैं, तो मदरसे कितने खोलेंगे आप ये बता दीजिए? और कार्यकाल मेरे ख्याल से आप एक और मांग रहे हैं, यानी 24 और चाहते हैं 24 में सरकार आपकी आ जाए। देखिए सरकार तो हमारी बनेगी इसलिए आप निश्चित रहिए। अच्छा, क्योंकि आपने नगर निगम का चुनाव देखा, सबकी दुकानें बंद हो गई, 17 के 17 मेयर जीत रहे हैं और सारे सभा कर्नाटक में 24 में जनता इनको बता देगी किसके साथ है। हमें सब देखा है जी, और आप भी देखेंगे उसी चैनल पर। मैं कर्नाटक भी देखा है, हिमाचल भी देखा है, समान भाई हिमाचली परिणाम देखा, कर्नाटक के परिणाम भी देखे, वो भी बता दिया करिए। अकेले नगर निकाय क्यों बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में ही 82 मदरसे, और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा घोटाला जो है सपा बसपा और कांग्रेस ने वक्फ की जमीनों पर किया है। अच्छा अच्छा, मैं आपको बता और मैं आपको बता दूं सपर भाई, अगर वक्फ की वो फला और किसी जाति और धर्म के लिए नहीं करता है सपर भाई। और जैसा अजरा जी ने कहा, अल्पसंख्यक फिर बोलेंगे, अल्पसंख्यक में क्रिश्चियन भी आते हैं, सरकार भी आते हैं। सपर भाई मेरा सवाल, मुझे ये बताइए क्या किसी क्रिश्चियन समुदाय के मिशनरी के स्कूल पर मानक के नाम पर कोई उंगली उठी? नहीं उठी। अच्छा। क्या किसी सिख समाज के संस्था पर उंगली उठी? तो नहीं उठी, नहीं उठी। अरे वो है, ये उंगली मुसलमानों पर ही क्यों उठती है? अच्छा, क्योंकि मुसलमान जो है
वो अपने जो दीन का रास्ता उस पर भटक गया। मौलवियों को अपनी दुकान चलानी है, इसलिए वो दुकान चला रहे। मैं फिर कह रहा हूँ दुकान और ऐसी दुकानों को हमारी सरकार बंद करने का काम करेगी। सफर भाई एक आंकड़ा सुन लीजिए, गोरखपुर में 183 मदरसे अवैध पाए गए हैं। बापर इसका जिम्मेदार कौन है? अरे अब मैं भाई पूछ रहा हूँ, हमारी सरकार ने बंद किया, ये हमारी उपलब्धि है, और जिन लोगों ने इसको खोलने दिया ये उनकी उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। कांग्रेस के लोग फर्जी मदरसों की अनुमति देने वाले ये लोग हैं। अच्छा, अगर उनके अधिकारी समाज को बंद कर देते तो आज मुसलमान शिक्षा से वंचित नहीं होता। ठीक है सवाल भाई, सांसद आपका, विधायक आपका, अगर वहां मदरसे 183 अवैध चल रहे हैं तो कुछ जागरूकता आप ही फैला देते, दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। मैं तो आपको याद दिला, देखिए जागरूकता हो रही है, लेकिन आप कहो कि 8200 मदरसों को चालू कर दे, माना के अनुरूप हमको मान्यता दे दे, हमारी सरकार मान्यता नहीं देगी। अगर माना के अनुरूप नहीं है तो हमारी सरकार उनको मान्यता नहीं देगी, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। ठीक है ठीक है, अजरा मोमेंट बोल लीजिए। शफात भाई जिस मदरसे को बंद कराने की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस लग रहा है। दुकान दुकान बोल रहे हैं। नहीं अफसोस की बात नहीं है, नहीं मेरी बात थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जी जी बिल्कुल पेशेंस। तो मैं ये कह रही हूँ जिस मदरसे को आप दुकान बोल रहे हैं और जिस मदरसे को बंद कराने की बात कर रहे हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आपको, शायद याद जो मानक के अनुरूप नहीं है, बहन जो मानक के अनुरूप नहीं है, भूल रहे हैं बहुत सारे जो मानक के अनुरूप नहीं है वो बंद। बहुत सारे महापुरुष जिसमें से मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी हमारे मदरसे से ही पढ़ाई की, जहाँ पर मदरसे होंगे, जहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाई दी जाती है जो आर्थिक स्थिति, जिनके वालिदैन की, जिनके गार्जियन के पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनको वहाँ पर पढ़ाई का चीजें मुहैया कराई जाती है। और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आप जिसको बंद कराने की बात कर रहे हैं, सब बंद कराने से नहीं बदलेगा। आप जो प्राइवेट स्कूल हैं, सिटी मॉन्टेसरी जैसे स्कूल हैं आपके लखनऊ शहर में, आपके सरकार जैसे ही यूपी में बैठी, माननीय योगी जी जैसे ही इस कुर्सी संभालते हैं, मुख्यमंत्री पद लेते हैं, उन्होंने यही कहा था कि जो फीस वृद्धि है, जो प्राइवेट स्कूल एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, जो फीस लेंगे, हम उनकी नकेल कसेंगे। 6 साल बीत चुके हैं साहब, किसी की नकेल नहीं। खाली मदरसे पर आकर क्यों, जहां से महापुरुष निकल के गए हैं वहां की आप बातें करते हैं। शर्म आती है कि आप लोग इस तरह नहीं बोले, दीन से भटक गए आप लोग। जरा सा देश को आगे बढ़ाने की बात करिए। सफर से बोल रहा है, इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके आप जो बांटने वाली बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जवाब मिल जाएगा। स्थापित करना चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। शफात भाई ये आप सीरियसली इस चीज को लीजिए, सुन लीजिए सुन लीजिए, हो चुका है। मैं जवाब देना चाहूंगा, बोल लीजिए। प्राइवेट स्कूल में कब जवाब देना चाहूंगा, अभी अभी रविंद्र भाई की बात आने के बाद कब करेंगे फीस वृद्धि, कब गरीब बच्चों को आप प्राइवेट स्कूलों में, उनका भी शौक है, जवाब देना चाहूंगा, शौक है, कब उनको पढ़ाई आप प्राइवेट में पढ़ने नहीं देंगे और मदरसे बंद कर देंगे। ठीक है रविंद्र भाई, रविंद्र भाई, रविंद्र भाई आप बहुत देर से सुन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। सपार भाई ने ऐसा क्या बोल दिया कि आपको मुस्कुराहट आ गई? क्या सपार भाई बोलते भी ऐसा ही, मुस्कुराहट तो आई जाती है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? दो तीन चीजें मैं ऐड कर दूं शमात भाई ने। जी भारत सरकार में सरकार के बाद अगर किसी के पास प्राइवेट के रूप में सबसे ज्यादा जमीनें हैं तो मिशनरियों के पास में। लीजिए नया आंकड़ा ले लीजिए, पास में नहीं है। लीजिए दूसरा बोल दूं, वक्फ बोर्ड का मदरसा शिक्षा परिषद से कुछ लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मदरसा शिक्षा परिषद एक इंडिपेंडेंट, भाई मुझे समय दे दीजिएगा, 2 मिनट का चलती है, सुन लीजिए पहले। फिर भी मैं कहता हूँ नफरत का बीज बोने वाले, तो ये कह रहे थे ना रेलवे के बाद डिफेंस के बाद में जमीने हैं, तो 3 कंपनियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बना दी है रेलवे की और डिफेंस की एक्सेस जमीन को बेचने के लिए जी। उसको बेचने से अच्छा उसी पे पहले बनवा लीजिए, लीजिए उसी पे ही आप इंस्टीट्यूशन बनवा लीजिए, हॉस्पिटल बनवा लीजिए, इंडस्ट्री बना दीजिए। अब जरा उत्तर प्रदेश में शिक्षा का हाल तो बता दिया मैंने नीति आयोग में, तो कह नहीं रहा हूँ नीति आयोग पर ही है। अच्छा अभी अभी पिछली जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को परमिशन दिया है, तो क्या नीति आयोग है ये? बिल्कुल दिया है। मदरसा तो नहीं चलाने देंगे और इंडस्ट्री कुछ चला नहीं पाएंगे जी, तो क्या प्राइवेट लोगों को देंगे?
चलाने के लिए, तो प्राइवेट आदमी तो चला रहा था, जो जो 7,500 मदरसे पकड़े गए प्राइवेट आदमी तो चला रहा था जी, तो उसी को चलाने दे ना जी, उसको सुविधा दे दे जो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं जी। और ये सब करने के बावजूद भी हमारी शिक्षा की स्थिति में हम आखिरी हैं जी। और जो हमारा है वहाँ 20% उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वर्ग है, क्या उसके शिक्षा के उत्थान के बारे में जी आप धार्मिक और पार्टी और राजनीतिक और चुनाव की बात करके आप उत्थान कर पाइएगा? अगर करना था तो केंद्र का 9 साल और प्रदेश का 6 साल बहुत था, और अगर करना ही था तो मुझसे मांग ले लिस्ट, मैं गोरखपुर में लिस्ट दे दूं जी। अरे आप भी रहे 5 साल से दंगे करवाते रहे सरकार में, करने वाले 12 से 17 तक दंगे करवाए आपने, आप भी कुछ करके चले जाते, मुसलमान तो आपको वोट करता था भाई रविंद्र भाई, आपसे जनता एक्सपेक्ट करती है कि आप उन चीजों को, मैं बता रहा हूँ, रविंद्र भाई, जो अवैध विद्यालय पकड़ाते हैं उनको पकड़ना चाहिए जी, इसमें इसमें कहीं से दो राय नहीं है, ठीक है रविंद्र भाई, पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी, पूरे प्रदेश में अराजकता। रविंद्र भाई सपा रुसन पूछ रहे हैं आपसे, रविंद्र भाई सपा रुसन बोल रहा है कि आप नफरत की राजनीति करते हो, और बोल रहे हैं कि आप भी 12 से 17 थे, आप ही कुछ कर लेते, मुस्लिम वर्ग तो आपको वोट करता है, आपने कुछ नहीं किया, केवल यहाँ पर बेवकूफ बना रहे हैं और दंगे करवाते हैं। देखिए मैं मुझे आपने 2 बार बोलने का मौका दिया, मैंने कोई राजनीतिक बात ही नहीं किया, ना मैंने पार्टी का बात किया, मैंने इनकी पार्टी का नाम भी नहीं लिया ये। तो अगर इनको लग रहा है ये राजनीतिक है तो ये समझे इनकी सोच है, आज अगर मुसलमान इस हालत पर है उसकी देर सपा बसपा और कांग्रेस, और शिक्षा पे ही बात, आज मुसलमान अगर इस हालत पर है तो सपा बसपा और कांग्रेस लीजिए आपकी देन है, आरोप लगा रहे आपके ऊपर। गौरव भाई मैं बोलूं, बोल लीजिए, मान लेते हैं हमने थोड़ी देर के लिए, गौरव भाई मैं बोल रहा हूँ जी, तो क्या हमारा अनुसरण गौरव भाई जी, रविंद्र भाई आपके, रविंद्र भाई आपको जवाब दे रहे हैं, आप क्यों नहीं बताएंगे, आपको जवाब देना है गौरव भाई, बोलिए बोलिए, मुझे 2 मिनट चाहिए, बहुत शांति से मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, बोल लीजिए गौरव भाई, दो चीजें हैं, रविंद्र भाई एक मिनट सुन लीजिए, रविंद्र भाई और बहन अजरा जी जी, उत्तर दोनों लोग मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट का सफर भाई, ये मत रुकिए, रविंद्र भाई बोल रहे हैं जी जी, सबसे उच्च कोटि का जो IMS है लखनऊ में हम लोगों ने बनवाया जी, इन्होंने क्यों नहीं बनवा दिया एक IMS जी, 6 साल में यहाँ 9 साल में वहाँ जी, एक IMS में प्रति रूप से जेपी नड्डा साहब ने बोल दिया कि मदुरई में चल रहा है, वहां पर तो वहां पर एक ईंटा भी नहीं गिरा जी, तो हमने क्या किया, हमने बता दिया और मान लेते थोड़ी देर के लिए, हमने कुछ भी नहीं किया जी, अगर हमने नहीं किया तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं, खाली बंद करा रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको वक्फ बोर्ड से जोड़ रहे हैं और करें वक्फ बोर्ड की जमीन बेचेंगे, अगर बेची ना आपको एक एक कार्यकाल और मांग रहा है, एक कार्यकाल और दे दीजिए, बोले एक कार्यकाल और दे दीजिए, जनता ने दी, बेचिए कौन रोक ले रहा आपको, चलिए ठीक है सवाल भाई जवाब दीजिए, बना के जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बोलिए गौरव जी जी, जल्दी बोल लीजिए, मैं इनसे कहूंगा कि अगर अखिलेश जी ने स्टेडियम बनाया, मेट्रो चलाई, तो 22 में जनता ने इनको नकारा क्यों? अच्छा एक बात ठीक है, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अजरा जी मुस्लिम स्कॉलर है, मैं एक बहुत पॉइंट की बात कह रहा हूँ, इस्लाम मदरसों में 2 चीजें होती हैं गौरव भाई जी, एक होता है मकतब जी और एक होता है मदरसा। अच्छा मदरसा जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, मानक के अनुरूप ही चलेगा और चलना भी चाहिए, ठीक है, जो नहीं थे उनको हमारी सरकार ने बंद कर दिया, ठीक है, और आगे भी बंद करेगी, और दूसरी चीज जो मकतब होता है वो एक कमरे में आप चला सकते हैं, चाहे वो 10x10 का हो, चाहे वो 15x20 का हो, मकतब नाम होना चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि मकतब के नाम पर ना तो विदेशों से पैसा मिलेगा और ना ही जो जकात माफिया है उनको मकतब के नाम पर पैसा मिलेगा। अच्छा मकतब के नाम पर आप 4 बच्चे पढ़ाइए, 50 बच्चे पढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम आपको मकतब रखना पड़ेगा। अच्छा मेरे घर के सामने एक मस्जिद है, उसमें लिखा है कुबा एजुकेशन सोसाइटी मकतब। अच्छा वहां पर शाम को बच्चे आते हैं 100-150, वो पढ़ते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि मकतब को अनुदान नहीं मिलेगा, बिल्कुल, इसलिए रखते हैं मदरसा, और मदरसे में मानक चाहिए,
जब मानक नहीं होता तो हम सर, कोई भी सरकार अगर जिम्मेदार आएगी और नियम कानून को फॉलो करेगी तो वो बंद कराएगी। तो मकतब खोलने में जकात नहीं मिलेगी और खैरात नहीं मिलेगी और फंडिंग नहीं मिलेगी। अच्छा, तो उस गरीबों का हक लूटने को नहीं मिलेगा ठीक है। जो जकात के नाम पर मदरसे लूटते हैं। अच्छा, अजरा जी इस पर रिसर्च करिए जाकर के मकतब और मदरसे में फर्क क्या है। मदरसा मानक के अनुरूप ही चलेगा और मकतब आप एक कोठरी में चला लीजिए। चले ठीक है, जाइए आप मुस्लिम स्कॉलर, जाइए रिसर्च करिए और दोबारा हमसे बात करिए। पर सबसे मैं अभी आपको बता दूं, पर एक गौरतलब होना चाहिए कि पिछले 5 साल से यूपी में बीजेपी सरकार थी, दोबारा यहाँ पर रिपीट हुई है और केंद्र में 9 साल से है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी समय याद क्यों आई, पिछले 5 साल में याद क्यों नहीं आई, वहां पर 9 साल में याद क्यों नहीं आई। ठीक है, अजरा मोमिन जवाब दीजिए। शफात भाई मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। जी जी, आपने मदरसे की बात की। कॉन्स्टिट्यूशनल हमको राइट मिलता है कि हम अपने मदरसे खोल सकते हैं अपने मजाहिब के अकॉर्डिंग, ठीक है, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। और अगर आप बिल्कुल मानक के अनुरूप कहीं, मैंने पहली लाइन में भी आपको ये बोला कि आप उसको बेहतर बनाने के लिए आप उनको सपोर्ट कीजिए कि यहाँ पर ये आपकी कमी है, इसलिए आप सरकार सपोर्ट कर रही है, इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। मदरसों का आधुनिकीकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप इन दोनों वर्ड को समझने की नजरिए का फर्क है, दूसरी आपकी सोच का फर्क है, श्रोता होना भी जरूरी है भाई। सुनिए भी तो आप मेरी बात तो सुनिए, अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब लीजिए आप मुझसे। हाँ बोलिए, और जवाब सही से दीजिए ढंग से। अरे सही से जवाब, कैसे जवाब चाहिए भाई, सही से जवाब दे रही है, क्या करूँ। आप जाकर हिंदी बोल रही है, कोई उर्दू थोड़े बोल रही है। बोलिए तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि वो अवैध थे और उनके गलत तरीके से फंडिंग आ रही थी, हमको लगता नहीं है, हमको लगता नहीं है आप लोग अभी तक तंत्र आपके पास, आपके पास सरकारें सारी चीजें हमारी सरकार खोलने वाले कौन थे, ये दुकानें खुलवाने वाले कौन थे, जो मदरसों की दुकानें किसने खुलवाई। हमारी सरकार नियम कानून पर चलती है, संविधान पर चलती है। फर्जी मदरसे नहीं चलने देगी, फर्जी मदरसे नहीं चलने देगी। मानक के अनुरूप अगर नहीं है तो नहीं चलने देगी। आप मकतब चलाइए, आप मकतब चलाइए, मकतब में सहयोग करेंगे, लेकिन मदरसा अगर मानक के अनुरूप नहीं है तो चलने नहीं देंगे। अजरा जी मदरसा नहीं चलने देंगे, अगर मानक के अनुरूप दुकानों को बंद करेंगे, ताला लगवाएंगे, ताला लगवाएंगे। शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, उन बच्चों को आप उसके ठेकेदार नहीं हो। अजरा जी जो गरीब परिवार अपने बच्चों को जिसके अंदर एक इच्छा होती है उसके अंदर भी हाई डिजायर होती है, हमारा भी बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, कब एडमिशन दिलवाएंगे भाई। मेरे पास सैकड़ों बच्चों की लिस्ट है, मैं बता रहा हूँ, बताइए कब दिलवाएंगे एडमिशन, उनकी फीस वृद्धि कब कम करवाएंगे आप। अरे मैडम 1947 से देश आजाद हुआ, अब तक आप लोग क्या कर रही थी। अच्छा आपके लोग क्या कर रहे थे अब तक। हमने यही किया, हमने तो आजाद, अरे इनकी सरकार छुड़ा दी। मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने मदर, सुनिए अजरा जी सुनिए, कुर्बानी दी है, अरे आपको सुनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों का चलन कितना चलवाई, जवाब दीजिए।
कुर्बानियां दी है, इसको आजाद कराने में। जवाब दीजिए आप, तलाक पर रहने हमारी मुस्लिम बहनों के लिए किसने कानून बनाया? अरे भाई, तीन तलाक कर करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है आपकी, महिलाओं के बीच, महिलाओं के आप सम्मान में क्या बात करेंगे? आप महिलाओं के तलाक के नाम पर हल्ला करने वाले मौलवियों की दुकानें बंद की जाएंगी। चले ठीक है, ठीक है, चले ठीक है, के नाम पर हल्ला करने वाले मौलवियों की दुकानें बंद की जाएंगी। चले ठीक है, ठीक है, हो गया, ये वही दुकानें, हो गया, ये वही दुकानें, चले हो गया, हो गया, हो गया, चले ठीक है। अरे भाई, इनको बंद किया जाए। अरे भाई, शेम ऑन यू, शेम ऑन योर सरकार। लीजिए रविन भाई, आप मुस्कुरा दिए, रविन भाई बिल्कुल मसला है, महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, उसपे चुप्पी साधे हुए, उसपे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मदरसे के नाम पर दुकानें नहीं खोलने देगी। फूल माला पे चले, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, सफल सर, हो गया। बड़े शर्म की बात है कि आज जैसी महिला की बात करती है, बड़े शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी किसी का सपोर्ट नहीं करती है। अपराधी भाई, हो गया, हो गया, और मेहमान भी है, और मेहमान भी है। अरे जाइए, मेरा की शर्म करिए, ठीक है, शर्म करिए जा करके। ठीक है, ठीक है, रविन भाई, अरे हो गया, समाप्त हो गया, जो गरीबों का हक लूटते हैं, ये अल्लाह का अज़ाब है, ये अल्लाह का अज़ाब है, समाप्त भाई, अल्लाह का अज़ाब है, समाप्त भाई, समाप्त भाई, हो गया, ये मुसलमान मुस्लिम काम पर अल्लाह का अज़ाब है, अरे पानी पी, ये अल्लाह का अज़ाब है, जो उनकी दुकानें बंद की जा रही हैं, इस्लाम के नाम पर बैठे, इस्लाम के नाम पर बढ़ावा दे रहे हैं, अरे हो गया भाई, ऐसे मुसलमानों की दुकानें बंद की जा रही है, मुझे शर्म करिए, अरे भाई, आपके आपके लिए सरकार बोलते रहिए, अप एंड डाउन है आपकी, बोलते रहिए, कोई फायदा नहीं। रविन भाई ये बताइए, सवाल भाई आप थोड़ा सुन लीजिए, नाराजगी अच्छी नहीं है, ये प्राइम डिबेट है जहां पर आप लोग को थोड़ा सा मर्यादा से बात करनी है। रविन भाई शर्म होनी चाहिए, रविन भाई सवाल में सुन लीजिए, आप खराब मत करिए डिबेट, मैं डिबेट खराब मत करिए, रविन भाई आप खराब नहीं कर रहा हूं जी, सुन लीजिए पहले, सवाल भाई सुन लीजिए, रविन भाई आप तो विपक्ष में हैं, और ये भी कहा जाता है कि मुसलमान का जो वोट है वो आपको मिलता है, वो आपको मिला है, इसमें दो राय नहीं है, आप खुद भी बोल जानते हैं कि एमबाई फैक्टर आपका परंपरागत वोट बैंक है, पर यहाँ पर अगर मदरसों की बात हो रही है, उनको बंद करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके द्वारा भी विरोध बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अजरा मोमिन तो यहाँ पर लगातार लड़ रही है, पर थोड़ी बड़ी प्रतिक्रिया आपसे मुझे चाहिए कि क्या मानना है, क्या जहालत दिखा रहे हैं भाई। अरे सुन लीजिए भाई, जबर भाई प्लीज, तो रविन भाई जो है आपको मेरे बारे में पता नहीं है, आप जहालत पर अपना वापस लीजिए, यही है ना कि आप लोग तो महिला का सम्मान ही नहीं कर पाते, महिलाओं को आप कुछ भी बोल सकते हैं, अरे यही तो आप, अरे सब मर्यादा भाई, सब मर्यादा भाई, आरोप लगाया, आप ही ताली में ही बता रही है, सुन लीजिए रविन भाई, बोलना सुन लीजिए, तीन तलाक जैसे क्या बात दीदी कर रही है, बोल रही है कि जाहिल कौन है, तालीम बता रही है, चलिए ठीक है, बोलिए रविन भाई, बोलिए रविन भाई, उनकी आवाज म्यूट है, बोलिए। ये तो मुस्लिम समाज जो भारत का 14% है, उत्तर प्रदेश से 20% है जी, क्या है यह राष्ट्रवादियों का वह समूह है जो हमको छोड़ के नहीं गया जी, वो चाहता तो पार्टीशन के समय जा सकता था, आज वो गरीब है, उसके पास शिक्षा नहीं है जी, बिल्कुल है, तो हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। जैसे अभी इसमें सफाकत भाई ने जोड़ दिया, हम क्यों हार गए, हम क्यों जीत गए, सरकारें हारती जीतती रहती, इंडिया की सरकार हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमानत जब्त हो गया था, आडवाणी जी का जमानत जब्त हो गया था, ये प्रश्न शिक्षा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हमें शिक्षा देना है उनको जी, मुस्लिम समाज को शिक्षा देना है, इस पे एक कमेटी बन चुकी है जी, हम क्या करें करके, आप बंद कर दीजिए सारे मदरसे, बंद कर दीजिए लेकिन शिक्षा दीजिए। अब सफाकत भाई ने मकतब को मदरसे से जोड़ दिया जबकि मुस्लिम है जी, मकतब क्या होता है, मकतब का कोई कोई भी कानूनी आधार नहीं है जी, मकतब
जो मोहल्ले की मस्जिदें होती हैं उससे जुड़ा हुआ वह केंद्र है जहां दीनी शिक्षा दी जाती है। इस पर कोई कानून नहीं लागू होता है जी, बिल्कुल। तो कोई भी मस्जिद में मकतब चला सकता है जी, और वो मकतब जो चलता है जी वो दान के पैसे से चलता है, जिसको जकात कहा जाता है। बिल्कुल। तो मदरसे से मकतब को जोड़ना सही नहीं है, बहुत गलत है। नहीं नहीं, जकात गरीबों को शिक्षा के लिए नहीं है जी। आप जाके शरीयत पढ़िए, आप प्रवीण जी, आपको शरीयत नहीं पता। जानकारियां नहीं शेयर करनी चाहिए। सरकार गरीबों का हक है, हम लोग का जो शिक्षा के। अरे गरीब ही तो पढ़ते हैं मदरसे में, कौन वहां पर कौन अमीर पढ़ने जाता है भाई। आप शरीयत पढ़िए, अमीर आदमी तो बड़े बड़े स्कूलों में जाता है। शरीयत में जकात का मानक दिया है। प्रवीण जी कहे शरीयत में जिना करने वाले बलात्कारी को कहा जाता है कि इतने कोड़े मारो जितना उसको अंदर बार बार मारते रहो जब तक आपके कोड़े की वो पूरी ना हो जाए। शरीयत में जाके साथ उसी से सीख लेते। अरे मदरसे तो छोड़ दीजिए, आप बंद करा रहे हैं। अरे बलात्कारी की बात कर रही, बलात्कार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी बात कर रही भाई। बिल्कुल कार्रवाई होती है, बंद हो गई है जी। तो अगर उनका अपलिफ्टमेंट नहीं करेंगे तो शिक्षा कैसे होगा जी? तो प्राइमरी एजुकेशन को और मदरसा शिक्षा बोर्ड को एक साथ में आगे बढ़ाना चाहिए जी। और बच्चों को शिक्षित करके नीचे से ऊपर भेजना चाहिए। जब नीचे से ऊपर भेजेंगे तो माध्यमिक शिक्षा के लिए हमको इंटर कॉलेजेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो बंद होते चले जा रहे हैं, जहाँ बच्चे जाकर एडमिशन नहीं ले रहे हैं जी। तो उनको 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 मजबूत करना पड़ेगा जी। लेकिन इस दौरान अगर आप वोट पाने के लिए क्यों जीत गए, क्यों हार गए, समाजवादी ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया, अरे कोई भी आएगा तो उसको शिक्षा का अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा जी। जो 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 हमारे राष्ट्रपति महोदय थे वो तो शिक्षा की अंतिम भाषा बोल के अपने प्राण त्याग दिए जी। क्या बात, मुझे अब्दुल कलाम जी, तो क्या हम उनके रास्ते पे भी नहीं चल सकते हैं? बिल्कुल चलेंगे। तो जब 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 शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है उसका राजनीतिकरण ना करिए, सब मदरसे बंद करिए, मैं कह रहा हूँ आपको जी। लेकिन उसका विकल्प तो दे दीजिए, विकल्प ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ी होंगी जो भी आपने दिया। सही बात है, सही बात है। उसका 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 विकल्प ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट माध्यमिक कॉलेज या प्राइमरी कॉलेज थोड़ी होंगे। ठीक है, ठीक है, सब जो गरीब जनता है उसके लिए विद्यालय बनवाइए, उसको उसको धर्म के आधार पे मत बांटिए प्लीज। ठीक है, समर भाई जल्दी जवाब दीजिए। गौरव जी जल्दी, 2012 में समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आया था कि हर मुस्लिम मोहल्ले में हम बालिकाओं के मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खोलेंगे, इंटर कॉलेज खोलेंगे। रवीन जी बताए कितना इंटर कॉलेज खोला गया। अच्छा। दूसरी बात जो इन्होंने अभी कहा कि उसका विकल्प देना चाहिए, ये जो मौलवी दुकानें खोल के बैठे है ये शिक्षा माफिया है। अच्छा। अब आप बताइए किसी माफिया को हम विकल्प देंगे? हम उन बच्चों को मैं विकल्प पैदा कर रहा हूँ ना, मैं कहूंगा अगर शिक्षा में सुधार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अच्छा। मदरसों में एनसीईआरटी बुटकों का किताबों का चलन हुआ तो भाजपा ने किया। अच्छा। हम मुसलमानों के मदरसों में शिक्षा का सुधार कर रहे हैं ताकि वो आधुनिक शिक्षा पढ़ने के बाद नौकरियों में आए, माफिया न बने, जकात माफिया न बने, जकात देने वाले बने। लेकिन उस चीज को इनको हजम नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान कैसे जुड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि ये निकाय चुनाव में ये देख चुके हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट दिया। हाँ। और किस तरह मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। समय हो गया, शिकर विषय नहीं है, दर्द हो रहा है। जल्दी बोलिए, बोलिए रमन भाई, बोलिए। मैं राजनीति नहीं लाना चाहता था, पर मानो कि नहीं। अब ये निकाय चुनाव के बारे में सुन लें। हाँ। 2014 के बाद से जी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन है। 30% वोट पाई है जी, निर्दलीय 34% वोट पाए हैं, बिल्कुल पाई है। और 70% लोगों ने इनको नकार दिया उत्तर प्रदेश में जी, इसका दावा ये कर रहे हैं जी। फिलहाल इसको नहीं जोड़ना चाहिए था शिक्षा से। तो अगर ये 30% वोट की आपकी बड़ी बड़ी जीत है तो भगवान करे 2024 से फिर यही आ जाए। 17 में कितने मेयर जीते आप? चलिए 17 में कितने मेयर जीते? बड़ा आंकड़ा दे रहे हैं जी, बड़ा गुड रहस्य वाला आंकड़ा मैं जानता हूँ रमन भाई, बहुत बड़ी बात बोल गए, बहुत बड़ी बात बोल गए। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी राय खतरे की घंटी है। ठीक है, अजरा मोमिन आखिरी कमेंट। नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा, जैसे सपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा, बिल्कुल मैं इनकी बात का समर्थन करती हूँ कि इसको किसी भी शिक्षा को राजनीतिकरण
का रूप नहीं देना चाहिए। अगर आप देश को बेहतर तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं तो मिलजुल करके आप उसको काम कीजिए, किसी को टारगेट ना करते हुए आप उसमें सहयोग करें, सहयोग करते हुए आप शिक्षा प्रणाली को बढ़ाएं। लेकिन अगर आप, अरे मुझे तो बड़ा अफसोस लगता है गौरव भाई कि ऐसे से टैलेंटेड बच्चे, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं जब देख निकलती हूँ ग्राउंड पर, मैं देखती हूँ कि ऐसे गरीब बच्चे की आंखों से आंसू आ जाते हैं, टैलेंटेड जीनियस बच्चे हैं लेकिन पैसे के अभाव में वो अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं दिला पाते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो जाते हैं, दो चार बच्चे उनको थोड़ा बहुत अपना जो उनसे हो सकता है कॉपी किताब मुहैया करा करके उनको अच्छे एजुकेशन अपने लेवल पर देते हैं। सरकार को उनको संज्ञान में लेना चाहिए। बहुत सारे आपके लखनऊ में पड़े हुए स्लम्स बच्चे ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं और बहुत टैलेंटेड जीनियस बच्चे, उनको निखारने की तराशने की जरूरत है। आप उनको नहीं संज्ञान में लेते हैं, आप खाली आके बजाते रहते हैं, ढोल पीटते हैं, चिल्लाने का काम करते हैं साहब। इससे शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं होने वाला है। जमीन पर आइए, सरफेस पर देखिए कि हो क्या रहा है। मदरसों को खाली टारगेट मत कीजिए। मदरसे तो ऐसे ऐसे अनमोल रत्न दिए हैं जिन्होंने हमारे देश को रोशन किया है, नाम को रोशन किया है। आप सभी का चर्चा जोड़ने के बहुत धन्यवाद। तो चर्चा यहाँ पर पूरी हो चुकी है और यहाँ पर चर्चा के दौरान राजनीति भी हुई, बातें भी हुई और यहाँ पर एक जो समाधान है वो भी सामने आया। समाधान ये है कि यहाँ पर अगर कुछ अवैध है तो कार्रवाई होनी जरूरी है। समाधान ये है कि अगर यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर लगाम कसनी जरूरी है। पर समाधान यहाँ पर यह भी रखना पड़ेगा कि अगर उन मदरसों को बंद किया जाएगा या अवैध मदरसों को बंद किया जाएगा, या जैसा कि सफार हुसैन बोले हैं कि वो शिक्षा की दुकान है जो अवैध रूप चल रही है उनको बंद किया जाएगा, तो फिर नई शुरुआत कौन करेगा? यहाँ पर अगर किसी को बंद करना है तो उसके एवेज में नई शुरुआत भी करना जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है और बिना शिक्षा के आप विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा नीति को बेहतर करें, और शिक्षा नीति यहाँ पर सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए और सभी धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए, या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षा केंद्रों के लिए एक होनी चाहिए। यहाँ पर वही स्थिति, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर अगर एक नीति रखेंगे तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे। मदरसों में गरीब वर्ग बंटे वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, ये उन्हीं के लिए व्यवस्थाओं के लिए है। मध्यम और अमीर वर्ग का बच्चा बड़े स्कूलों में जाता है, उनके लिए मदरसों की जरूरत नहीं है। पर यहाँ जरूरत उस वर्ग के लिए है जो आज भी वंचित है विकास से, आज भी वंचित है शिक्षा से। तो उसके लिए नई कवायद शुरू करनी पड़ेगी और नई नीति बनाइए। अगर कुछ बंद कर रहे हैं तो कुछ नया खोलिए, तभी व्यवस्थाओं को बेहतर कर पाएंगे। और शिक्षा माफियाओं की अगर बात करें तो शिक्षा माफिया केवल मदरसों में नहीं बल्कि तमाम बड़े स्कूलों में यहाँ विराजमान है, और जिनकी चर्चा स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बयानों के दौरान कर चुके हैं। तो नीति बदलिए, व्यवस्था बदलिए, अगर कार्रवाई करनी है तो सब पे करिए। केवल मदरसों को लेकर कार्रवाई करने की बात अलग है। यहाँ पर कुछ अवैध है तो बंद करना जरूरी है, व्यवस्थाओं के लिए, अपने देश के लिए और सुरक्षा के लिए। पर शुरुआत भी करिए किस तरह इन बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और यहाँ पर अगर वास्तव में कार्रवाई कर रही है तो सब पे करिए जो भी अवैध चल रहा है शिक्षा नीतियों के विरुद्ध। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।